हेलो एवरीवन, मैं महावीर प्रसाद आपका स्वागत करता हूँ। आज हम फ्लूड मैकेनिक्स में फ्लूड प्रेशर और उसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो कंटेंट देखते हैं, तो कंटेंट में सबसे पहले फ्लूड स्टैटिक्स, प्रेशर उसकी डेफिनेशन और मात्रक, टाइप्स ऑफ प्रेशर यानी जो प्रेशर को मेजरमेंट करेंगे उस मेजरमेंट करने के आधार पर प्रेशर कितने तरह के हैं, जैसे एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर एंड डिफरेंशियल प्रेशर। तो अभी हम आते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूड स्टैटिक्स में हम क्या करेंगे, इन दिस वी आर स्टडिंग टू कंसेप्ट्स ऑफ फ्लूड, यानी इसके अंदर फ्लूड के दो कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है स्टडी ऑफ फ्लूड एट रेस्ट, जब फ्लूड रेस्ट पे होगा तो उसके जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, गुणधर्म होंगे, उस पर क्या फोर्सेस लगेंगे, तो उसका अध्ययन हम करेंगे, फ्लूड ऑफ स्टडी एट रेस्ट। दूसरा, स्टडी ऑफ फ्लूड इन रिजिड बॉडी मोशन, यानी जो फ्लूड है वो जब रिजिड बॉडी मोशन में वर्क करेगा यानी उसकी तरह बिहेव करेगा तो उसकी स्टडी करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई भी लिक्विड भरा हुआ है फ्लूड। इस कंटेनर की जो डेंसिटी है, इस कंटेनर की डेंसिटी यू जो कंटेनर है वो जीरो है, और जो फ्लूड है, फ्लूड की जो डेंसिटी है वो, फ्लूड भी इसमें फ्लूड का कोई भी पार्टिकल लेते हैं तो उसका वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, इन तीनों डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो। यानी वेलोसिटी किसका फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ जेड, ठीक है। पर यहाँ पे अपन क्या देखेंगे कि इन सभी के सापेक्ष वेलोसिटी इसकी जीरो है, तो यहाँ पे क्या है, यू इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यानी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और टी इनका फंक्शन ये नहीं है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, यानी टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी जीरो है, ये इसके पार्टिकल्स की पोजिशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, वहन कंटेनर मूव्स, यानी आप देखोगे कि एक बाल्टी ली, एक कंसेप्ट लिए ये है कि एक बाल्टी लिया, उसमें पानी डाला और आप मूव कर रहे हो बाल्टी को लिए हुए, तो पूरी रिजिड बॉडी की तरह ये बिहेव कर रही है, ठीक है। इसका बिहेवियर कैसा है, रिजिड बॉडी की तरह। तो बाल्टी जो कंटेनर है, यहाँ पे ये कंटेनर है, कंटेनर की वेलोसिटी जीरो नहीं है, कंटेनर क्या कर रहा है, मूव, ठीक है। तो और इसके अंदर ये पार्टिकुलर्स हैं, यानी इसके कण हैं, फ्लूड के जो कण हैं उनकी वेलोसिटी भी, उनकी वेलोसिटी भी क्या है, वी है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में कंटेनर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में इसके जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स की भी वेलोसिटी वी है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लूड क्या होगी, फ्लूड पार्टिकल्स की रिलेटिव वेलोसिटी वी माइनस वी इक्वल टू जीरो, यानी ये रिजिड बॉडी मोशन ऑफ फ्लूड है, यही क्या है, रिजिड बॉडी मोशन ऑफ फ्लूड, ओके। सो फ्लूड स्टैटिक्स में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक है फ्लूड एट रेस्ट, दूसरा है स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी मोशन ऑफ फ्लूड। तो फ्लूड एट रेस्ट, इसमें अपन देखते हैं कि फ्लूड एट रेस्ट होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, एफ, ये फंक्शन किसका, एक्स वाई जेड एंड टी, इनके रेस्पेक्ट में एफ का फंक्शन नहीं होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन देखें तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी यू अपॉन डी वाई, यानी ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन, तो ये किसके इक्वल है, जीरो। सिमिलरली डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, डी यू अपॉन डी जेड इक्वल टू जीरो। सो सीयर, इसका क्या मतलब हुआ, सीयर स्ट्रेस इन एनी डायरेक्शन, सीयर स्ट्रेस क्या होती है, सीयर स्ट्रेस देखते हैं, टो, तो टो एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, टो इक्वल टू म्यू, म्यू क्या है यहाँ पे, डायनेमिक वेलोसिटी, तो म्यू डी यू अपॉन डी एक्स, ये क्या होगी, एक्स डायरेक्शन में सीयर स्ट्रेस, और अगर डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो है तो टो एक्स इक्वल टू जीरो। सिमिलरली टो वाई इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू जीरो, और ऐसे ही टी, टो जेड म्यू डी यू अपॉन डी जेड इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब ये है कि शियर स्ट्रेस इन ईच प्लेन विल बी जीरो, यानी अर्थात यहाँ कोई अपरूपण प्रतिबल नहीं होगा, देयर इज नो शियर स्ट्रेस इन फ्लूड। ओके, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस नहीं है, तो कौन सी स्ट्रेस है? कोई एक इसमें एक स्ट्रेस है जो जब फ्लूड रेस्ट पे होता है तो कार्य करती है, यानी जब द्रव स्थिर होता है इन वहन फ्लूड एट रेस्ट, तो यहाँ केवल अभिलंब प्रतिबल यानी नॉर्मल स्ट्रेस कार्य करेगा स्थिर द्रव पर, स्थिर द्रव पर केवल नॉर्मल स्ट्रेस कार्य करेगा। तो अब इसी को हम देखते हैं। तो जैसे ये एक फ्लूड लिया, यहाँ पे एक फ्लूड है, ठीक है, ये एक किसी भी पात्र पे भरा हुआ है, यानी स्थिर है। तो अब इसके अंदर दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक होता है इसकी जो ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर बाहर से एक फोर्स लग रहा है, तो इसको कहते हैं जो एनवायरनमेंट है उसके कारण, जो एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर लग रहा है, तो ये इसकी सरफेस के अभिलंब है। तो ये क्या है, पी एटीएम यानी पी एटमॉस्फेयर। फिर इसका कोई पार्टिकल लेते हैं अंदर, कोई भी एक छोटा सा पार्टिकल पकड़ो, तो उसके इसकी डेंसिटी है रो, और ग्रेविटी यानी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा तो वो है जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और के कारण जो इसका फोर्स आएगा इसके पार्टिकल्स का, वो इसका बॉडी फोर्स होगा। तो यहाँ पे दो तरीके के फोर्स काम करते हैं, एक होता है सरफेस फोर्स और दूसरा होता है बॉडी फोर्स, ठीक है। तो जो बॉडी फोर्स है वो हमेशा नीचे जाएगा और बॉडी फोर्स नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगता है, वर्टिकली नीचे की तरफ, और ग्रेविटी के कारण ये फोर्स लगता है एवं हमेशा वर्टिकल नीचे की ओर लगेगा। तो अगर कोई पार्टिकल लें और उस पर अपन नॉर्मल स्ट्रेसेस देखें, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, नॉर्मल स्ट्रेस होती है कि प्रेशर एक्टिंग ऑन फ्लूड, नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू प्रेशर एक्टिंग ऑन फ्लूड। तो इस पे प्रेशर कौन कौन सा लगा, नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस पी फ्लूड, यानी जो फ्लूड का प्रेशर है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी, जो प्रेशर निकाल लेंगे इसके ऊपर, जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को अपन लेंगे, तो वो प्रेशर ही नॉर्मल स्ट्रेसेस है। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होंगी, नॉर्मल स्ट्रेसेस इक्वल टू प्रेशर एक्टिंग ऑन फ्लूड। तो ठीक है, अब अपन ये प्रेशर निकाल लेंगे, वही नॉर्मल स्ट्रेस होगी, ठीक है। तो पर अब अपन पढ़ते हैं प्रेशर, प्रेशर प्रेशर का, जैसे कि पहला पी आर ई डब्ल एस प्रेस, प्रेस यानी दबाना, पहला वर्ड अगर ये देखें प्रेस का, प्रेशर से प्रेस, प्रेस को अगर देखते हैं तो प्रेस का मतलब होगा दबाना, यानी नो ये कोई दबाने वाला जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसको अपन इसकी डेफिनेशन इस तरीके से होगी, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब, जो अभिलंब कंपोनेंट है, ठीक है, अभिलंब कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो यानी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल का मान या बल को प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं। तो P इक्वल टू एफ एन अपॉन ए, एफ एन अपॉन ए, यहाँ पे एफ एन क्या है, फोर्स जो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, और A एरिया, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वाला इस एग्जांपल में क्या है कि एक एरिया है A और उस पर थीटा एंगल से एक F लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है। तो P इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल, ठीक है। जैसे अभी इसका दूसरा एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि ये एफ है, थीटा एंगल पे है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक एफ कोस थीटा और एक एफ साइन थीटा। तो इसको प्रेस कौन सा करेगा, ये तो इस एफ कोस थीटा तो क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन में हो गया, और एफ साइन थीटा ऊपर से इसको दबाने वाला फोर्स हो गया। तो पी इक्वल टू एफ साइन थीटा अपॉन ए, यानी ये बल हमेशा पृष्ठ की तरफ लगेगा, ओके। तो प्रेशर एफ एन अपॉन ए, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, ठीक है। तो दाब एक क्या है, ये जो प्रेशर है ये एक सदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इसकी यूनिट, ठीक है। तो यूनिट जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, यूनिट मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ऐसा यूनिट, तो फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी ऐसा यूनिट है।
और इसको पास्कल भी कहते हैं, पास्कल से भी लिखते हैं, एक पास्कल बराबर वन पास्कल बराबर वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल को किससे लिखते हैं, पीए से, ठीक है। तो वन पास्कल इक्वल टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सीजीएस यूनिट देखते हैं इसकी, तो सीजीएस यूनिट पी इक्वल टू एफ एन अपॉन ए, एफ क्या है फोर्स, नीचे एरिया, तो फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है डाइन, एरिया की क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये क्या होगी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ नॉन ऐसा यूनिट्स देखते हैं, जैसे एक बार, वन बार इक्वल टू टेन टू पावर फाइव पास्कल, यानी एक बार का मतलब होता है 10^5 पास्कल, और एक किलो पास्कल, किलो का मतलब हजार, तो एक किलो पास्कल बराबर 1000 पास्कल, और एक बार बराबर 100 किलो पास्कल, ठीक है। तो एक यूनिट है टोर, अब और एक यूनिट है टोर, यह भी प्रेशर की यूनिट है। यह एक वैज्ञानिक थे इवान गैलिस्ता टोरिसेली, ठीक है, जिन्होंने बैरोमीटर की खोज की थी, उनके नाम पर यह यूनिट है। और बैरोमीटर क्या काम में आता है, वायुमंडलीय दाब नापने का एक उपकरण है। इसको हम वायुमंडलीय दाब किस में मापते हैं, mm of Hg, या Hg क्या होता है मरकरी, पारा, mm of Hg में नापते हैं, mm of Hg। तो वन टोर इक्वल टू वन mm of Hg, वन टोर इक्वल टू वन mm of Hg। तो यहाँ पे हम देखेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर, वन एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू, यानी एक वायुमंडलीय दाब बराबर 760 mm of Hg। ये वैसे तो जगह जगह पे अलग अलग डिपेंड करता है, लेकिन एक यूनिवर्सल वैल्यू है 760 mm of Hg, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 760 mm of Hg, ठीक है। तो एक टोर बराबर क्या हो गया, 1/760 इंटू एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्या हो गया, वन टोर इक्वल टू 1/760 इंटू एटमोस्फेरिक प्रेशर, ओके। अब हम देख रहे हैं कि एक एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू किलो पास्कल में कितना होगा, 101.3 किलो पास्कल। एक एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है 101.3 किलो पास्कल, ओके, या 1.013 bar, और 1 टोर बराबर 1/760 इंटू 101.3 किलो पास्कल, यानी 1 टोर इक्वल टू 133.28 पास्कल, 1 टोर इक्वल टू 133.28 पास्कल। अब अपन देखते हैं कि FPS यूनिट, FPS क्या है, फुट पाउंड सेकंड, ये एक ब्रिटिश यूनिट है, ठीक है। और जैसे अपने टायर में कहीं हवा भरवाते हैं तो वहाँ देखा होगा कि एक जो गेज है उस पर क्या लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या PSI। PSI का मतलब क्या है, पाउंड पर सरफेस इंचेज, पाउंड पर स्क्वायर इंचेज, पाउंड पर स्क्वायर इंचेज। और 1 PSI इक्वल टू 6894, यानी 6895 पास्कल, एक PSI इक्वल टू होता है 6895 पास्कल। और 1 पास्कल इक्वल टू 0.000, यानी 3 बार 0, 145 PSI, 0.000145 PSI, ओके। तो ये अपन ने अभी देखा यूनिट्स के बारे में। तो अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ प्रेशर, यानी जो दाब अपन ने पढ़ लिया, इसकी यूनिट पढ़ ली। अब ये दाब को जब मेजर करते हैं तो मेजर किस किस तरीके से करते हैं, मेजर करने के आधार पर हम इसको कैसे बांट सकते हैं। तो हमने बांटा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन अब देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस जब वायुमंडल में चारों तरफ न्यूमेरियस प्रकार की, यानी अलग अलग प्रकार की, बहुत विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, गैसें फ्लूड्स पाए जाते हैं, तो इन फ्लूड्स का इस पृथ्वी की सतह पे या कोई भी आप सरफेस लोगे उस सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को अपन कहते हैं वायुमंडलीय दाब, यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर, ओके। इस एटमोस्फेरिक प्रेशर को, एटमोस्फेरिक प्रेशर को किससे मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर से,
ठीक है, और इसको निरपेक्ष दाब के सापेक्ष मापते हैं, यानी आधार क्या है इसका, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो अपन अब आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट यह वह प्रेशर है, यानी इट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर मेजर्ड अबोव द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, यहाँ पे मैं एक लाइन डायग्राम दिखाया है, इसके अंदर सबसे नीचे वाली जो लाइन है वो क्या है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, यानी जब कोई फ्लूड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो किसी सरफेस पे, यानी किसी प्लैनेट पे कोई फ्लूड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो उस पर फोर्स डालेगा ही नहीं, यानी प्रेशर वहाँ पे होगा ही नहीं। तो अब प्रेशर, जब प्रेशर नहीं होगा तो उस वो वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, और वो जो जीरो आएगी उस जीरो प्रेशर को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। तो इस जो सबसे पहले जो लाइन है ये क्या है, आउटर स्पेस में, आउटर स्पेस में कोई गैसेस नहीं होती हैं, कोई फ्लूड नहीं होता, तो वहाँ पे ये प्रेशर का वैल्यू जो है वो जीरो होती है, और इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। तो सबसे नीचे वाली जो लाइन है वो है आपकी एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, ये जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है, इसके बाद में अपन देखते हैं वायुमंडल में जो भी प्रेशर है अपना, वो वायुमंडल ये दाब, तो ये जो बीच वाली ये जो लाइन दिख रही है आपको 101.3 किलो पास्कल, ये है आपकी वायुमंडलीय दाब की लाइन। ठीक है, तो अब वायुमंडलीय दाब को किसके सापेक्ष नापते हैं, एब्सोल्यूट जीरो के। ठीक है, अब एब्सोल्यूट जीरो अपन बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट प्रेशर की, तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को डेटम मानते हुए, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के ऊपर जो भी प्रेशर पढ़ा जाएगा उसको उसको सापेक्ष या उसको आधार मानते हुए जो भी प्रेशर पढ़ा जाएगा वो प्रेशर होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, अब अपन देखेंगे वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें, द्रव है, इनके कारण जो दाब लगता है उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं, और इसको इसको वायुमंडलीय दाब को किसके सापेक्ष मापते हैं, एब्सोल्यूट जीरो के। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो के सापेक्ष इसको मापते हैं। ठीक है, तो और इसकी वैल्यू क्या है, इसका मान है 101.3 किलो पास्कल। अब अपन देखते हैं गेज प्रेशर, तो वायुमंडलीय दाब जो है 101.3 किलो पास्कल, इसको आधार मानते हुए, वायुमंडलीय प्रेशर को आधार मानते हुए इसके ऊपर, यानी पॉजिटिव में जो भी प्रेशर मापा जाएगा, यानी पॉजिटिव में जो भी प्रेशर पढ़ा जाएगा वो प्रेशर, ये वायुमंडलीय दाब वाली लाइन है और इसके ऊपर ये ए पॉइंट है, तो यहाँ तक जो, यानी जो इसके ऊपर जो भी पॉजिटिव दाब पढ़ा जाएगा वो कहलाएगा पी गेज। और जब इसको हम किसके सापेक्ष लेंगे, इसको जब हम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के सापेक्ष मापेंगे तो ये पी एब्सोल्यूट ऑफ ए, यानी एब्सोल्यूट प्रेशर ए पॉइंट का। ठीक है, ए बिंदु पर एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। वैसे ही अब अपन पढ़ते हैं वैक्यूम प्रेशर, तो वैक्यूम भी वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर उससे नीचे जो प्रेशर पढ़ा जाएगा, यानी नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को आधार माना और उसके नीचे जो प्रेशर पढ़ा जाएगा वो कहलाता है पी वैक्यूम। ठीक है, तो ये बी पॉइंट है, यहाँ से ऊपर से वायुमंडलीय दाब वाली लाइन से नीचे तक जो आए बी तक, तो पी वैक्यूम कहलाएगा। और अगर ये बी पॉइंट पे ही प्रेशर एब्सोल्यूट जीरो से नापेंगे तो ये पी एब्सोल्यूट कहलाएगा, यानी एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा पॉइंट बी का। ठीक है, तो इतना ये लाइन डायग्राम आपको समझ में आया। अब आपको बता रहा हूँ वैक्यूम प्रेशर, तो जबकि द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर उसके नीचे मापा गया दाब निर्वात दाब कहलाता है, अतः इसे ऋणात्मक दाब भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक दाब भी कहते हैं। ओके, अब इनको लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली, तो पी गेज, यानी गेज प्रेशर प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों को अगर जोड़ दोगे, लाइन डायग्राम में भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इन दोनों को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, पी एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष दाब, और पी एटमोस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम, पी एटमोस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम, यानी एटमोस्फेरिक में से पी वैक्यूम निकाल दो तो क्या बचेगा, वो भी पी एब्सोल्यूट बचेगा, यानी पी एटमोस्फेरिक में गेज प्रेशर जुड़ जाएगा तो एब्सोल्यूट हो जाएगा, और वैक्यूम प्रेशर घट जाएगा तो एब्सोल्यूट हो जाएगा। ओके, धन्यवाद, आज इतना ही।